किडनैप किडनैप कर लूँ मैं, कर लूँ किडनैप आपको नहीं करा। ओके बाय, ट्रॉफी बन बे, चल बन उठा धोनी। इनको छोड़ के कोई एक एक बंदा भी कमेंट कर देगा ना कि भाई तुम इधर जाओ इंडिया में खाली, कि ये नहीं कि तुम ओ भाई भाई देख लो खुद ही देख लो तुम। सो भाई क्या हो रहा है, ऐसा मौसम रहने वाला है ना, तो भाई जो हमने प्लान करी ना अपनी ट्रिप, मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले 5 या 10 दिन के अंदर कर देता हूँ वो ट्रिप स्टार्ट। सो एक बार मैं उन सबसे पूछ लूँगा, अमर अजय और सैंडी और नागर और राहुल राहुल सबसे पूछूंगा कि भाई कौन कौन अवेलेबल रह सकता है बताओ, उस हिसाब से चलते हैं भाई। जिस तरह से मौसम चला ना भाई, तो मैं सोच रहा हूँ जून में ट्रिप मार लो, ना ज़्यादा गर्मी रहेगी ना ज़्यादा कुछ रहेगा, क्योंकि इतनी सेक्सी हवा चल रही है ना भाई, तो भाई मज़ा आ जाएगा अगर हमने इसी मतलब कि जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसी मंथ में 10 या 15 दिन के अंदर ट्रिप मार ली। पर हम श्योर हैं कि अगले महीने में ट्रिप पर जाना है। देख रहो व्लॉगिंग की स्टार्ट हो गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप अपने घर में बढ़िया हो गए। और कल चेन्नई सुपर किंग की भाई इतनी खुशी हुई मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई भाई, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो। रात को 5 बजे सोया तुम्हारा भाई, व्लॉग पूरा एडिट करके फिर मज़ा आ गया भाई। सीएस के जड्डू भाई बता रहा था आपको जड्डू के बारे में, मतलब भाई सर जड़े जाना क्या लास्ट के 2 बॉल पर भाई माहौल बना दिया, मतलब मोहित शर्मा ने बहुत अच्छा ओवर डाला भाई, हेड्स ऑफ। बट मेन तो मेरे को सीएसके का ही था, बस सीएसके जीत गई। और कल भाई इतने खुश हुए ना सब, मतलब कि आधी पब्लिक वही रात के 2-3 बजे मैसेज कर रही थी मुझे सीएसके जीत गई, अपने 3-4 ग्रुप हाउस में मैसेज, ओ भाई मज़ा आ गया। सो अब मैं कुछ काम से आया था मार्केट भाई, अब मैं घर निकल रहा हूँ अपनी धनों को खड़ी करके, फिर इस सुहाने मौसम का मज़े लेंगे, ठीक है। अमर की कॉल आई, अमर भी बुला रहा है। सो अमर अभी शायद से रोके बाहर होगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको ना किससे पूछ के तो इस घर में आ गया भाई। हैं बे कहना नो मेरा घर, मेरे ताऊ को घर, ताऊ का लौंडा आएगा तू भी, ताऊ का लौंडा। एक बात बता, कैसे एंट्री ले ली तूने घर में, पैरों से पैर, गरीब इंसान सुअर। चल सीएसके जीत गई डिंगा। ये बता तेरा रिएक्शन कैसा था, रिएक्शन दिखा सीएसके जीतने के बाद, बस इतना सिंपल। आई एम काम लाइक धोनी। अबे चला जा भाई, मेरा रिएक्शन सुनेगा क्या था, जैसे जड्डू ने शॉट मारा ना भाई, मैं एकदम चला, मतलब 2:130 के अराउंड उसने वो मैच का एंड हुआ था, मैं भाई इतनी तेज चला, यस 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 भाई, मम्मी पापा आके बोल रहे क्या होगा क्या होगा, मैंने कुछ नहीं सी एस की जीती। फिर पापा ने 2 गाली दी, मम्मी ने कुछ बोला नहीं, मम्मी ने बोला बढ़िया बात है चल सो जा, फिर भी तुम्हारा भाई 5 बजे सोया। पूरा मैच की प्रेजेंटेशन देख कर, दिस इज कॉल्ड लॉयल फैन सी एस के का। मैं तेरा तू 5 बजे सोया था, मैं सोया 3 बजे, ऑफिस जाना था ना इसलिए। किडनैप कर लूँ मैं, कर लूँ किडनैप है, चलो हमारे साथ चलो 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 चलो, अब हमने आपको किडनैप कर लिया, ठीक है। नहीं करा क्यों भाई, ये देखना ये इस बॉडी बिल्डर को देख के आपको लग नहीं रहा किडनैप कर लिया हमने आपको, नहीं करा। ओके बाय, सी यू बाय। बीच वाले तो पी लेंगे यार, पापा की बिना परमिशन में घूम रहा तू, डेली खाता है मेरे पैसों का अब तो। अबे यार तेरी 6 उंगली। चलो चल बे, भाभी बुला रहा हूँ। अब कैसी है तबीयत तेरी भाई, सब ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है तुझे। एक ही देख लो एक हड्डी को, क्या हाल है भाई, कहाँ से आ रहे हो ऑफिस से, और क्या मजे तोड़ी जाएगी, कोई बात ना। और भी बोल भाई, पार्टी दे रहे हैं, जैसे सही तबीयत हुई वैसे पार्टी दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रदरहुड, यो गुड निक्कू, चले फिर मैं खुद नहीं खाऊंगा उस चीज को, तो हम तो खाएंगे ना भाई। हां तो भाई भाइयों के लिए प्यार का भी गाली दे रहा और यार भाई अपना ऐसा कोई दिक्कत ना भाई, ठीक है ना, हवा सेक्सी है भाई, सेक्सी है, कोल्ड ड्रिंक सेक्सी आएगी, अब माउंटेन डू पेंगे। देख ये कह रहा टिक्की, तू क्या कह रहा टिक्की, तूने कह दिया 3 का ताला बंद कर लो, मैं कह रहा हूँ चाइनीज, क्या खाएगा चाइनीज, नाम भी तो चाइनीज, मोमोज। अबे भाई पर तू पार्टी मेरे को दे रहा है ना, इनको क्यों दे रहा, तू आ जा, चलो ठीक है भाई बाय। हां वो भी तो ना 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 यार, 3 का ताला बंद कर ले। अबे 3 का ताला बंद कर लो ना, मेजॉरिटी मेजॉरिटी नहीं है भाई, 3 का ताला बंद होगा, आ जाओ। मोमोज के खाने की चीज है 3 का ताला नहीं, ओए मिले मिले साथी मेरे जैसा चोर कर ले, तो कम बोल चल, तो
मेरा दादा चोर तो अबे तब देख रहा है। जीत कर हारने वाले को सौरभ कहते हैं। भाई मैं जीता था जबरदस्ती ले जा रहा है निक्की को, क्या करना है। मैं चाहता ना दादा को मारना मारना। अरे ठीक है भाई निक्कू निक्कू बोल रही बढ़िया लग रहा है। ओह माय गॉड दिस इज कॉल्ड सक्सेस। थैंक यू दीदी आप मेरे ब्लॉग देखते हो। कमेंट मत करना बस ही सब्सक्राइब करना बस। भाई तो पता कैसा रहा तेरा 3-4 दिन हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। दादा ये कीमती चीज है इंसान के शरीर की। जो ड्रिप लग रही है वो चलाते रहो बस। पता चल खून चल। भाई देख रहा हूं हमारा भाई पूरा सूख गया। बीमारी इतनी तगड़ी पड़ी। तू तो दिखा दे अपना सुखावट। क्या हुआ था इन्फेक्शन? चलो भाई थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, सब कुछ ठीक हो गया तो ये कुछ नहीं कहेगा, पर हम जरूर कहेंगे क्योंकि हमारा भाई ठीक हो गया तो ये पार्टी दे रहा है। दिन हमें चाहिए थी पर ये दो हरामी भी तो चल रहे हैं खाने वाले तो ठीक है। निकू के दिन है भाई शर्म नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी। नहीं शर्म नहीं आ रही क्या? तुझे भी नहीं आ रही दादा? ला चम्मच दे। अकेले अकेले खा रहे हैं भाई। बहुत बहुत बेशरम हो गई है दुनिया। ये लो भाई खा लो। कौन सा बीस राग में जो गया वो पता नहीं यार। एक गणपत चल दारुला थक गए यार है ना दादा। वही टेबल वेबल साफ कर दिया ना। बोरिंग बोरिंग जिंदगी हो गया बहुत ज्यादा। पब्लिक जॉब सरकारी प्राइवेट में अटक गए हम तो। अरे हमारी जिंदगी रंगीन कर दो मान लो कुछ तो कर दो। कमेंट में बता समझ जाओ कैसे रंगीन होगी। अबे मैं तो चाह रहा हूँ कि चलें क्या अगले महीने कर दें क्या एक टूर और मतलब कि पहले से दिखा ये पुस्तक किसी और की चीज़ है समझ जाओ किसी और की चीज़ है क्यों दिखा। अरे सौरभ थाईलैंड का स्पॉन्सर कर दे। मैं पहले इधर के कर ले भाई थाईलैंड तो छोड़ भाई फॉरेन की बात है कि इंडिया की पासपोर्ट भी ना उधर का। अबे वो तो क्यों ये कहता जाएगा वो तो क्यों हाँ। कहीं थाईलैंड में इतना पकड़ ले ये अनोखी चीज इंडिया की है ये रख लो। अरे वो तो ठीक है पर अगले महीने का तो प्लान कर लेता था यार ट्रिप पे। चल जब चल फ्राइडे सैटरडे तुम्हें एक चीज दिखाऊं। एक दिन की छुट्टी भी लेनी है भाई। तुम्हें एक चीज दिखाऊं देखो जलती हुई क्या है। वो करने वाले हैं जो कल हुआ था 3 बजे के आसपास ठीक है। कैसे धोनी ने ट्रॉफी उठाई थी अगर जो लोग नहीं देख पाए अब वो लाइव देखो ठीक है। चलो MS धोनी वन द ट्रॉफी और IPL कौन सा IPL था ये 2023 ट्रॉफी बन भाई ट्रॉफी चल बन उठाओ धोनी रुक जाओ राइड लेगा रुक जाओ ये भाई सुनते थे ये ट्रॉफी वाला कम लग रहा है ये वो लग रहा है जिसमें धोनी ने जड़े जाकर उठाया वो वाला सीन ज्यादा लग रहा था ये। कमेंट कर अब बोल। और रात हो चुकी है टेक टू धोनी चेंज ट्रॉफी सेम ओके ट्रॉफी बन रही ट्रॉफी का यू बनना बन जा ना बनना भाई और ये मजा आ गया आईफल की ट्रॉफी को उठाने में। अब समझ आया कि उसको उठाने में इतनी टीम इतनी मेहनत क्यों करती है। मैं ना दिखाऊं कतई ना दिखाऊं क्या अच्छा ठीक है दादा थैंक यू तो हमारे लिए ट्रॉफी बना तो बताना किसने अच्छे से उठाई वो ट्रॉफी ठीक है। अभी जो NTPC में टूर्नामेंट होगा कोशिश करेंगे वो ट्रॉफी भी हम उठाए उठा पाएंगे मैडम है मैं उठा दूंगा जैसे कृष्ण जी ने उठाए उंगली पे। चलो अब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ गए हैं भाई यार हमें ना कमेंट करके कोई जगह बताओ कमेंट करके जगह बताना कि हम जहां घूमने जा सकते हैं। अब हम हो गए फ्रस्ट्रेट कर रहे हो तो पब्लिक नहीं अरे अरे यार बात वो नहीं है मैं कह रहा था कि भूल गया यार रुको भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि जाएं किधर पहाड़ों पे जाएं पहाड़ों पे दादा बना कर रहा है बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगा भाई ठीक है वहां का टेंपरेचर जयपुर जा नहीं सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है अभी ठीक है थोड़ा बहुत है कुल मिलाकर बात ही है अपने घर बैठे पॉपकॉर्न और एक जो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है उधर मैं इनको बोल रहा हूँ तो ये बोलो उधर जाके करेगा क्या तो वो भी चीज़ समझ नहीं आ रही। तो अगर आपको किसी को पता है ना भाई अगर देखते हो रियलिटी में अगर ब्लॉग देखते हो इन 3-4 बंदों को छोड़ के अगर कोई और देखता है यहाँ जाओ सुख शांति सब कुछ है यहाँ तो खैर भगवान है यहाँ तो बारिश होती है
सो भाई अगर इनको छोड़ के कोई एक बंदा भी कमेंट कर देगा ना कि भाई तुम इधर जाओ इंडिया में खाली, कि ये नहीं कि तुम कमेंट भी कर रहे हो बोल लो कि फॉरेन चले जाओ, तीन दिन की ट्रिप के लिए हम पक्का डेफिनेटली ट्राई करेंगे इसी मंथ में, तीन हफ्तों के बीच में उधर ही जाएंगे भाई, ये मैं खुला बोल रहा हूँ ठीक है। इंडिया में इन द सेंस कि यूपी और मतलब चलो तुम आप बता देना उसके बाद हम देख लेंगे जाना नहीं जाना। कश्मीर चले, तीन दिन में कश्मीर को कहा जाएगा 10-15 दिन बेवकूफ। तो प्लीज यार एक बार कमेंट करके बताना प्लीज, मजाक से पहली बार मैं बहुत प्लीज कर रहा हूँ, एक बार बता देना अगर हमें वो हुआ सूटेबल हम पक्का उधर ही जाएंगे इस अगले महीने, कुछ भी हो जाए उधर ही जाना होगा हमें, ये खुला बोल दिया तुम्हारे भाई ने। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, एक बार हमारे लाइट आ रही है चेहरे पे नहीं आ रही, हाँ आ रही। सो भाई मैं इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, कुछ भी पसंद आए तो देखते रहना और ना पसंद आए तो भी देखते रहना, और प्लीज़ यार एक बार कोई एक बंदे कमेंट करके बता देगा ना कि भाई तुम यहाँ चले जाओ बहुत अच्छी जगह है, हम कोशिश करेंगे हम उधर ही चले जाएंगे, क्योंकि हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। दादा का कुछ अलग चल रहा है, अमर का आधा मोटे का, मोटे का कुछ अलग चल रहा है, मेरा कुछ अलग चल रहा है, सैंडी का अलग चल रहा है, तो हम सब कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो इनकेस अगर आप में से किसी एक ने भी बता दिया ना तो क्या पता अगर बाई चांस हमें वो चीज़ पसंद आ गई तो हम क्या पता उधर भी जा सकते हैं, तो प्लीज़ 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 कमेंट करना। बाकी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ जल्दी ही, तब तक अपना ध्यान रखना, प्यार बनाए रखना, और क्या कहते हैं हम, जय हिंद जय भारत, सी यू सून। तुम दिख नहीं रहे, किससे बात कर रहे हो? नहीं क्या चंडीगढ़ घूम लेते हैं, ये देख रहे हैं। चलो अब हम पता क्या करते हैं दादा, हम ब्लॉग एंड कर रहा हूँ मैं, हम ढूंढते हैं अपनी डेस्टिनेशन, हमें कहाँ पर जाना है ठीक है। बाकी एक दो बंदा कमेंट करके बता देना तो हम वो भी चीज़ अपनी लिस्ट में डाल लेंगे, ऐसा कर ले, वो चीज़ भी हम लिस्ट में डाल लेंगे ठीक है मोटे हाथी, तो हम वो भी लिस्ट में डाल लेंगे, तो प्लीज़ बताना। बाकी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ कल, ये अपलोड कर दूंगा, परसों मिलेंगे, बाय टेक केयर, जब तक अपना ध्यान रखना, एंजॉय द लाइफ, टेंशन फ्री रहो, लाइफ एक है, मौज लो ठीक है। जय हिंद जय भारत, बाय बाय कर मोटे, बाय ठीक है भाई, बाय बता देना पर, हाँ।